का पानी भारी है, डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो हम TDS कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं भाई? फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन मल्टी टाइप की होती है, प्री फिल्टर, फिर उसके बाद में और फिल्टर, फिर मेम्ब्रेन, ये डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर होते हैं, कार्बन फिल्टर, सैंड फिल्टर, और उसके बाद में जो पानी में और क्या क्या चीजें आपने देखी यहाँ पर, एक आपने यूवी देखा, यूवी छोटा सा दीवार पे लगा था, कोना लगा था, यूवी लाइट क्या काम करता है बताइए? बैक्टीरिया को किल करता है, जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको किल करता है। और आपने क्या देखा इसमें? जो हमारा फिल्ट्रेशन का वर्क है वो 8 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नहीं नहीं नहीं, और दूसरी बात, ऑक्सीनेटर देखा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। जहाँ पे प्लांट में पानी पैक हो रहा था उससे पहले एक ऑक्सीनेटर था। क्यों मिलाया जाता है ऑक्सीजन पानी में बताइए? क्यों? ओजोनेटर और ऑक्सीनेटर क्यों मिलाया जाता है बताइए मैडम, आप बताइए। चलिए बताइए बच्चों, H2O का रेशियो प्रॉपर बनाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, H2O तो है ही पूरा, नहीं 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 नहीं, देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं हम, है, तो क्या होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी पानी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो उसमें एक्स्ट्रा वायरस है जो ओपन स्पेस में थोड़े बहुत आ गए हैं उसको किल करके उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। इसलिए पानी पीने का कभी भी ये 24 घंटे के बाद में पीने लायक होता है, वरना बिटरनेस रहती है पानी, वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है ओजोन। ओजोन कितना TDS कंट्रोल करके कितना देते? ये हमारे पास इनलेट कितना आता है? नहीं, पीछे से आता है हमारे पास 400 से 500 के बीच में, हम इसमें 60 से 100 के बीच में मेंटेन रखते हैं। हम पहले उसे 50 पर लाते हैं, 40 to 50, 50 से 80 तक लाने में हम एक्स्ट्रा मिनरल उसमें इंसर्ट करते हैं। आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मिनरल इंसर्ट करते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक है। तो सर, जो घर पे आरओ होता है उसका TDS कितना होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात की है मैडम ने। देखो बच्चों, घर पे कभी भी आपको आरओ ठीक करने वाला आए तो उससे कहना कि 150 to 200 में TDS मेंटेन रखे। 100 से नीचे जितना रखेंगे उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। देखिए, जो आपका वैसे पानी आते हैं, कौन से वाले पानी कहलाते हैं वो? नहीं 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 नहीं, अरे यार, वो जो आते हैं कैच वैच के, स्पार्कलिंग वाटर, नहीं, जो डायरेक्ट झील के पानी आते हैं स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं, नेचुरल वाटर कहते हैं, उसमें जो TDS होता है 150 to 200 के बीच में आता है। चाहे और बोतल, वो महंगी होती है, वो बोतल कोई भी 50 रुपए से शुरू होकर के 100 to 200 तक जाती है। सर, झील का पानी? हाँ, जैसे है वेदिका, बिस्लरी की वेदिका आती है, कैच की आती है, वो पहाड़ों पर पैक होती है बेटा, वो उसमें केवल फिल्ट्रेशन करते हैं, आरओ नहीं होता उसमें। इसलिए घर पे आरओ में थोड़े बहुत, क्योंकि आप लोग, हम लोग घर पे एक्स्ट्रा मिनरल मैच उसमें ऐड नहीं करते, इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए कम से कम हमें 150 to 200 के बीच में TDS मेंटेन रखने चाहिए, ठीक है? ओके सर, बस ठीक है, वेलकम, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना।